क्या जे उसो रोमन रेंस को हरा के इतिहास रचने वाले हैं? क्या सेथ रॉलिंस के खिलाफ डेमिन प्रीस्ट कैश इन करके न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे? क्या जजमेंट डे टूटने वाली है? क्या शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर में से कोई एक न्यू चैंपियन बनेगी? क्या क्या होने वाला है समर स्लैम 2003 में? सबके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सरप्राइज, शॉकिंग रिजल्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करें बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। समर स्लैम 6 अगस्त 2023 को मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे से देखा जा सकेगा। WWE ने इस पेपर व्यू के लिए टोटल 8 मैचेस अनाउंस करे हुए हैं। अब WWE चार मेन इवेंट कह रही है, लेकिन भाई साहब मेन इवेंट एक ही है जो कि रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मैचेस के बारे में। फर्स्ट मैच हमें लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे के बीच दिखेगा। उम्मीद है कि ये फर्स्ट मैच इस पेपर व्यू का हो सकता है। ये मैच काफ़ी हाई फ्लाइंग मूव से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि दोनों जब भी आमने सामने आए हैं दोनों ने एक ना एक वायरल मूवमेंट जरूर दिया है, फिर चाहे वो रॉयल रंबल हो या रिसेंट में हुए मनी इन द बैंक लैडर मैच की क्यों ना हो। अब देखिए बिल्डअप में कहीं ना कहीं दोनों का पलड़ा भारी दिखाया गया है, बट मुझे लगता है कि जीत यहाँ लोगन पॉल की होती हुई दिखाई देगी। रिकोशे भी इंप्रेस करेंगे, लेकिन जीत यहाँ लोगन पॉल की होगी। नेक्स्ट मैच हमें समर स्लैम बैटल रॉयल दिखने वाला है, जिसमें 25 सुपरस्टार होने वाले हैं। अब इस मैच में मुझे लग रहा है कि 2 या 3 रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से शायद बॉबी रूड भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी डिट्रॉइट में स्पॉट करा गया है। वहीं इस मैच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी, एजे स्टाइल, एले नाइट, शेमेस, मैट रिडल, चैट गेविल, सेंटोस एस्कोबार, शिंसुके नाकामुरा, द मिज, ग्रेसन वॉलर और भी कुछ बड़े नाम होने वाले हैं। ये नाम अभी तक सामने आए हैं। अब WWE ने ये तो बताया नहीं है कि जो इस बैटल रॉयल को जीतेगा उसे क्या एडवांटेज मिलेगी। अभी इसको लेके ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सा सुपरस्टार इस मैच को जीतेगा, बट मुझे चांसेस यहाँ एले नाइट और ग्रेसन वॉलर जैसे सुपरस्टार के लग रहे हैं। इन दोनों में से ही कोई एक सुपरस्टार इस बैटल रॉयल को जीतता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट मैच हमें शायना बेजलर वर्सेज रोंडा राउजी के बीच MMA स्टाइल मैच होगा। दोनों रियल लाइफ फ्रेंड हैं, इनके बीच हिस्ट्री काफ़ी पुरानी रही है, दोनों एक काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानती हैं, टैग टीम टूट के दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। मैच से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, आई होप रोंडा राउजी की साइड से बॉचेज ना दिखाई दें। मैच बढ़िया होने के चांसेस हैं। अब बात आती है जीत की, तो जीत यहाँ शायद रोंडा राउजी के होने के चांसेस हैं, बट शायना काफ़ी इंप्रेस करने वाली हैं इस मैच में, वो काफ़ी डोमिनेट दिखाई देंगी रोंडा राउजी के अगेंस्ट। अब देखते हैं मैच कैसा जाता है। नेक्स्ट मैच आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच WWE वुमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। बिल्डअप तीनों वुमेंस के बीच इस मैच से पहले अच्छा दिखा है, हालांकि आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में तीनों ही गायब रही हैं। काफ़ी डिसेंट मैच दिखने वाला है इन तीनों वुमेंस के बीच में। अब उम्मीद तो इस मैच से फैंस को काफ़ी ज़्यादा है कि बढ़िया मैच होगा इन तीनों वुमेंस के बीच में। वहीं आस्का एज अ चैंपियन कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई हैं। अब शार्लेट फ्लेयर का पास देखें तो चांसेज हैं कि WWE ये नया टाइटल भी शार्लेट फ्लेयर को जितवा सकती हैं, क्योंकि वो आती हैं तो चैंपियन बनती हैं, हारती हैं तो कुछ टाइम के लिए हॉलीडे पर चली जाती हैं। बट अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो आस्का यहाँ टाइटल रिटेन कर सकती हैं। बियांका ब्लेयर के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। शॉकिंग यहाँ ये हो सकता है कि ईओ इसका यहाँ कैश इन करते हुए दिखाई दे सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो चांसेस ऐसे हैं कि ईओ इसकाय का कैश इन फेल हो जाएगा, और हो सकता है कि बैले की वजह से ईओ इसकाय का कैश इन फेल हो जाए, जिसके बाद बैले और ईओ इसकाय भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। आप लोगों को अगर याद हो तो कुछ टाइम पहले इन दोनों के बीच हमें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दी थी, लेकिन WWE ने वो स्टोरी अभी थोड़ी टाइम के लिए होल्ड पर डाल दी है। हो सकता है कैश इन के टाइम पर इन दोनों के बीच कुछ दिख जाए। नेक्स्ट मैच हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखेगा। अब रेसलमेनिया 39 के बाद ड्रू मैकइंटायर ने वापसी करी और डायरेक्ट वो गंथर के खिलाफ दिखे। रीजन भी था क्योंकि गंथर और ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया 39 में ट्रिपल थ्रेट मैच में भिड़ते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें शेमेस भी शामिल थे। गंथर का रन काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, अनबीटेबल दिखाई दे रहे हैं वो पिछले काफ़ी टाइम से। वहीं मैच एक्शन और हार्ड हिटिंग होगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में, जिसे देख करके मज़ा आने वाला है। कहीं ना कहीं ड्रू मैकइंटायर गंथर के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं गंथर को हर बार की तरह एडवांटेज के तौर पर काइजर और विंसी रिंगसाइड मौजूद होंगे। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ गंथर की होगी, वो टाइटल यहाँ रिटेन कर सकते हैं। अगर कुछ सरप्राइज या शॉकिंग दिखा तो हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर गंथर को हरा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। नेक्स्ट मैच हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस कॉडी रूट्स के बीच मैच दिखेगा। ये इन दोनों की फ्यूड का थर्ड मैच होने वाला है। दोनों एक एक से अब इस फ्यूड में बराबर हैं। ये मैच डिसाइड करेगा कि इस फ्यूड में इन दोनों में से किसकी जीत होने वाली है। ब्रॉक लेसनर काफ़ी डोमिनेट दिखेंगे इस मैच में। वहीं बिल्डअप के दौरान भी WWE ने ब्रॉक लेसनर को ही काफ़ी तगड़ा दिखाया है। मैच अच्छा दिखने की उम्मीद है। वहीं कॉडी रूट्स कैसे ब्रॉक लेसनर के जबरदस्त अटैक को झेल पाते हैं ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई होप लास्ट ईयर की तरह ब्रॉक लेसनर यहाँ भी कोई ऐसा मूवमेंट दें जो कि सालों में याद रखा जाए।
जैसे लास्ट ईयर ट्रैक्टर वाला मूवमेंट दिया था। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ कॉडी रूट्स की होगी। अब क्लीन हार तो ब्रॉक लेसनर की नहीं होने वाली है, तो क्या पता किसी का इंटरफेरेंस यहाँ हमें देखने को मिल जाए। अब वो कौन होगा कौन नहीं, इसके अभी चांसेस पता नहीं है कौन होगा, बट हो सकता है कोई दिखाई दे जाए। नेक्स्ट समय सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। सेकंड टाइम है जब ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं इस फ्यूड के दौरान। इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैचेस में सेथ रॉलिंस का ही पलड़ा भारी रहा है अगर हम पिछले कुछ मैचेस उठा के देखें, इसलिए उन पर काफी एडवांटेज होने वाली है। वहीं बैलर पे जजमेंट डे का ही बैकअप एडवांटेज के तौर पर होने वाला है, मैच बढ़िया दिख सकता है। वहीं हो सकता है कि डेमियन प्रीस्ट कैश इन कर लें। अब अगर कैश इन होगा तो चांसेस हैं कि फिन बैलर सेथ रॉलिंस को हरा के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने और तभी इंस्टेंट डेमियन प्रीस्ट बैलर पे कैश इन कर जाए और डेमियन प्रीस्ट बन जाए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। क्योंकि डेमियन कैश इन करेंगे तो चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे, ये तो तय है। और अगर कैश इन नहीं होने वाला है तो सेथ रॉलिंस टाइटल रिटेन करके ले जा सकते हैं। हो सकता है कि डेमियन प्रीस्ट की गलती की वजह से फिन बैलर इस मैच को फिर से हारते हुए दिखाई दें। डेमियन अगर फिन बैलर पे कैश इन करते हैं तो जजमेंट डे फिर टूटती हुई दिखाई दे सकती है। मेन इवेंट में हमें जे उसो वर्सेस रोमन रेंस के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ट्राइबल कॉम्बैट मैच दिखेगा, जिसमें दोनों एक दूसरे पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई सब दोनों फ्री हैं, जिसको जो मारना है वो मारेगा। अब रोमन रेंस पे एडवांटेज के तौर पर सोलो सिको और पॉल हेमन होंगे। भाई जे उसो और रोमन रेंस के बीच अब तक जितने भी मैच हुए हैं उनमें जिम्मी उसो दिखाई दिए हैं, तो चांसेस ऐसे हैं कि जिम्मी उसो इस मैच के दौरान एंट्री कर सकते हैं। मैच बढ़िया होने के चांसेस हैं। आई होप पहले की तरह रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के मैच वन साइडेड ना दिखाई दें, जहां रोमन रेंस जे उसो को बुरी तरह से बस धोते हुए नजर आएं। उम्मीद है इस बार जे उसो भी तगड़ी टक्कर देने वाले हैं। अब इस मैच में शॉकिंग ये हो सकता है कि जिम्मी उसो रिटर्न करें, जे उसो की हार का कारण बन जाएं और रोमन रेंस यहां टाइटल बचा के ले जाएं। वहीं मैच के बाद रैंडी ऑर्टन यहां रिटर्न करके रोमन रेंस को कन्फ्रंट कर सकते हैं। रैंडी ऑर्टन को डिट्रॉइट में स्पॉट भी करा गया है और रैंडी ऑर्टन जब इंजर्ड हुए थे वो उस टाइम ब्लड लाइन के अगेंस्ट ही दिखाई दे रहे थे। अब जिम्मी अगर जे उसो की हार का कारण बनते हैं तो WWE ये दिखाएगी कि अब तक रोमन रेंस के खिलाफ जिम्मी उसो को टाइटल शॉट नहीं मिला है और जे उसो को बार बार टाइटल शॉट मिलने की वजह से जिम्मी थोड़े नाराज हैं, इसलिए उनकी वजह से जे उसो हारते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड ये था SummerSlam 2023 का रिजल्ट प्रेडिक्शन, सरप्राइज मूवमेंट और शॉकिंग मूवमेंट। आई होप शो धमाकेदार हो और आपकी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मॉर्निंग में SummerSlam को लेकर बैक टू बैक वीडियोज आएंगी, आप देखना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।